आज तारीख हो चुकी है 5 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, क्रिकेट को लेकर कौन सी 8 बड़ी खबरें और कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल को पोस्टपोन करने को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने यहाँ पर आईपीएल में अब 8-10 कोविड के एक साथ केसेस आने के बाद और आईपीएल में सारा माहौल बिगड़ने के बाद कल दोपहर 1 बजे यहाँ पर बीसीसीआई ने आईपीएल को पोस्टपोन करने का फैसला लिया था, जहाँ पर बीसीसीआई ने कन्फर्म कर दिया कि अब फर्दर नोटिस आने तक अब आईपीएल पोस्टपोन रहेगा। इवन सभी प्लेयर्स को अब बीसीसीआई ने यहाँ पर घर जाने के लिए भी अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है, और कुछ प्लेयर्स जो कि दूर से आते हैं, उन प्लेयर्स को तो खुद बीसीसीआई यहाँ पर घर पर जाने के लिए सब कुछ मैनेज करेगी। तो कुल मिलाकर अब आने वाले कुछ दिनों तक हमें आईपीएल देखने को नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल में खेलने वाले विदेशी प्लेयर्स को लेकर। दरअसल आईपीएल पोस्टपोन हो जाने के बाद यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को तो बीसीसीआई ने घर भेजने के लिए सारी यहाँ पर सुविधा अरेंज कर दी है, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स को बाय रोड बीसीसीआई घर भेज रहा है, जबकि कुछ प्लेयर्स को बीसीसीआई चार्टर्ड प्लेन के द्वारा घर भेज रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर विदेशी प्लेयर्स को लेकर भी अब बीसीसीआई ने अपनी तरफ से कन्फर्मेशन दे दिया कि आखिर किस तरीके से अब विदेशी प्लेयर्स को घर भेजा जाएगा। जहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर्स को, यहाँ पर सभी प्लेयर्स को एक साथ बीसीसीआई चार्टर्ड प्लेन में इंग्लैंड रवाना करेगा। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो कल यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी बीसीसीआई ने इनको घर भेजने की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को भी अब आज बीसीसीआई यहाँ पर सारी सुविधाओं के साथ चार्टर्ड प्लेन अरेंज करके उन प्लेयर्स को भी अपनी कंट्री भेज देगा, जबकि बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी अब जल्दी यहाँ पर बांग्लादेश पहुंचा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जो सभी विदेशी प्लेयर्स की जिम्मेदारी ली थी, उन सभी विदेशी प्लेयर्स को अब यहाँ पर बिना किसी समस्या के अपनी कंट्री छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर जब आईपीएल की दूसरी विंडो अवेलेबल होगी, तब इन सभी विदेशी प्लेयर्स को इन्हीं चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दोबारा बुला लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल आईपीएल पोस्टपोन हो जाने के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें फैल रही है कि इस साल का आईपीएल नहीं कराया जाएगा। इसी वजह से अब एमएस धोनी दोबारा से हमें आईपीएल में कोई भी मुकाबला खेलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन कल एमएस धोनी के मैनेजर की तरफ से ये कंफर्म हो चुका है कि अभी आईपीएल कैंसिल नहीं हुआ है, आईपीएल अभी केवल पोस्टपोन किया गया है। इसी वजह से इस साल हमें किसी ना किसी विंडो में आईपीएल देखने को मिलेगा, एमएस धोनी के मैनेजर की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया। इसके साथ ही एमएस धोनी के मैनेजर ने ये कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2021 के सीजन में यहाँ पर एमएस धोनी कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, यानी जो आईपीएल का आधा सीजन बचा हुआ है ये खेलने के बाद ही एमएस धोनी की यहाँ पर रिटायरमेंट पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस साल जब भी अभी अब यहाँ पर आईपीएल कराया जाएगा, तो एमएस धोनी पूरे आईपीएल एडिशन में खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल की नई वेन्यू को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि अब आईपीएल जिस भी विंडो में कराया जाएगा, उस विंडो में अब भारत में आईपीएल नहीं होगा, क्योंकि इस साल अगर भारत में यहाँ पर कोविड-19 के कारण ही आईपीएल कैंसिल हुआ है। इसी वजह से बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि भारत में इतने अधिक पॉपुलेशन वाले देश में अब इस साल का यहाँ पर आईपीएल नहीं कराया जाएगा, यानी आईपीएल को अब भारत से बाहर ले जाया जाएगा। कल बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि अब आईपीएल यहाँ पर जिस भी विंडो में कराया जाएगा, उस विंडो में आईपीएल को अब दुबई ले जाया जाएगा, यानी यूएई में अब आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस कराए जाएंगे। जो आईपीएल के 25 से 26-27 मैचेस बचे हुए हैं, वो यहाँ पर यूएई के 3 वेन्यूज पर कराए जाएंगे।
जाएंगे, यानी दुबई, अबू धाबी, इसके साथ ही शारजा में अब आईपीएल के बचे हुए मैचेस कराए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल 2021 के सीजन की नई स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब आईपीएल की नई स्टार्टिंग डेट को लेकर, आईपीएल की नई वेन्यू को लेकर अब बड़ा अपडेट दिया है। यहाँ पर कल बीसीसीआई के यहाँ पर सेक्रेटरी ब्रिजेश पटेल ने यहाँ पर बीसीसीआई की मीटिंग में कंफर्म कर दिया है कि बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि यहाँ पर सितंबर के महीने में यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल के बचे हुए मैचेस कराए जाए, और इस साल बचे हुए मैचेस दुबई में कराए जाएंगे, दुबई के तीनों स्टेडियम्स में कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कल बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा अपडेट आ चुका है कि जो आईपीएल के मैचेस बचे ये सितंबर के महीने में अब दुबई में कराए जाएंगे। हालांकि अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 से 12 तारीख के बीच यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो इस सीरीज के बाद हो सकता है कि यहाँ पर 15 या फिर 16-17 सितंबर से यहाँ पर अक्टूबर की शुरुआत के बीच यहाँ पर आईपीएल के मैचेस कराए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दुबई में 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, यानी जो भी विदेशी प्लेयर्स यहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए दुबई आएंगे वर्ल्ड कप से पहले, वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आईपीएल खेल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने अब यहाँ पर आईपीएल कराने के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक सही विंडो ढूंढी। इस विंडो में यहाँ पर 99% चांसेस है कि हमें आईपीएल के बचे हुए मैचेस देखने को मिलेंगे। हालांकि दुबई में आईपीएल होने पर कुछ टीमों को एडवांटेज मिलेगी, कुछ टीमों को नुकसान होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली सितंबर के महीने में अब हमें दुबई में यहाँ आईपीएल देखने को मिलेंगे। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी यहाँ पर ऑफिशियल डेट अनाउंस हो या फिर सितंबर से पहले अगर आईपीएल कराया जाए तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिल जाए, आप आईपीएल को लेकर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से। दरअसल अब कल आईपीएल पोस्टपोन हो जाने के बाद यहाँ पर गांगुली ने सभी आईपीएल टीमों के यहाँ पर विदेशी प्लेयर से और सभी इंडियन प्लेयर से यहाँ पर माफी मांगी। गांगुली ने यह बताया है कि बीसीसीआई और कुछ प्लेयर्स के फॉल्ट के कारण अब ना चाहते हुए भी बीसीसीआई को यहाँ पर आईपीएल पोस्टपोन करना पड़ा है। हालांकि विदेशी प्लेयर्स को काफी अधिक समस्याएं हुई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में अब ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन बैन कर दी गई है, इसी वजह से अब 15 मई के बाद ही ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को काफी अधिक समस्याएं हुई है। इसके साथ ही बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी बांग्लादेश जाने में अब काफी अधिक समस्याएं होगी। तो कुल मिलाकर इन समस्याओं के चलते हुए सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, इन्होंने खुद यहाँ पर सभी प्लेयर से अपनी तरफ से माफी मांगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है जीपीएस डिवाइस के फॉल्ट को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने कल ये पता लगा लिया कि आखिर किन कारणों के चलते हुए आईपीएल में लगातार इतने यहाँ पर कोविड के केसेस फैले हैं। यहाँ पर बीसीसीआई ने यहाँ पर काफी कठोर बायोसिक्योर बबल बना रखा था, इसके बावजूद आईपीएल में एक साथ यहाँ पर 10 कोविड के केसेस आ चुके हैं और इसी वजह से आईपीएल को ना चाहते हुए पोस्टपोन करना पड़ा है। तो बीसीसीआई ने कल ये पता लगा लिया कि यहाँ पर काफी अधिक प्लेयर्स के जो हाथों में जीपीएस डिवाइसेस लगे हुए थे वो वर्क नहीं कर रहे थे। लगभग 50-60% प्लेयर्स और मैनेजमेंट के व्यक्तियों के यहाँ पर जीपीएस डिवाइस वर्क नहीं कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर 1 से 2 प्लेयर्स एक दूसरे के संपर्क में आ जाने के कारण यहाँ पर कोविड काफी अधिक फैल गया था। इसी वजह से एक समय में आईपीएल में यहाँ पर 8 से 10 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ गए थे। तो कुल मिलाकर एक छोटे से फॉल्ट के कारण यहाँ पर पूरा आईपीएल पोस्टपोन करना पड़ा है और अब सितंबर के महीने में दुबई में आईपीएल होगा। तो दुबई में यहाँ पर आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई शायद डबल यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बायोसिक्योर बबल क्रिएट कर दे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल बीसीसीआई को यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली हुई, इसी मेजबानी को लेकर कल बीसीसीआई ने बताया कि यहाँ पर बीसीसीआई अब भारत में T20 वर्ल्ड कप कराने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि भारत में अब लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा भी अब T20 वर्ल्ड कप कराने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसी वजह से अब बीसीसीआई ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप को अब दुबई में शिफ्ट किया जाएगा। यानी यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो दुबई में कराया जाएगा, और यहाँ पर 18 अक्टूबर से पहले सितंबर के महीने में हमें आईपीएल के बचे हुए मैचेस भी दुबई में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अब आईपीएल और वर्ल्ड कप का प्लान रहेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप बीसीसीआई के आखिर इस फैसले से खुश हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।